हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई हो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं सब्जी मटर की, जो कि आप, मैं इसको बोलती हूँ मटर का झोल। यहाँ हम रहते हैं उसको मटर का झोल बोलते हैं। तो आज हम मटर का झोल बनाएंगे। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें ऑयल डाला। इसमें ऑयल मस्टर्ड ऑयल है, आप जैसा कुकिंग ऑयल खाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से डालें। तो गाइस, मेरा ऑयल देखती हूँ गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा, एक चम्मच जीरा है। और ये मेरे पास है ना, दो तेज पत्ते हैं, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी है खड़ी। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन। लहसुन ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप इसको खा सकते हैं, तो इसको स्किप भी करो। अदरक का पेस्ट मैं डालूंगी, सौंफ, इससे स्वाद बहुत अच्छा बनता है। हरी मिर्ची, इसको बारीक काट लिया है, इनको अच्छे से भून लेंगे। तो गैस, ये हमारी है ना, अभी किसी मिर्चियाँ भी सिक गई हैं इसके अंदर ऑयल में। तो इसमें डालेंगे बारीक प्याज जो मैंने चॉप करके रखा है, दो अच्छे से प्याज हैं। हमारा प्याज भी भुन जाएगा इसमें, बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो गाइस, अब हमारा प्याज भी अच्छा सा भुन गया है, ब्राउन कलर में हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसाले तो वही हैं जो हम सब्जियों में खाते हैं अक्सर। एक चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें भर के दो चम्मच डालेंगे धनिया का पाउडर। ये थोड़ा ज़्यादा ही डलता है, इससे अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है। और गाइस, डालेंगे इसमें एक चम्मच मिर्ची का पाउडर। तीखा आप जैसा खाना चाहें आप उसी हिसाब से डालें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा ही पानी डालना है मसाला भूनने के लिए। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जैसा आप खाना चाहें उसी हिसाब से डालें। नमक को कम ही खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। अब थोड़ा गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे, इसके बाद इसको मसाले को अच्छा सा भुन जाएगा। मसाले की पहचान है, साइड से ऑयल छोड़ देगा तो मसाला हमारा भुन जाएगा। तो गाइस, हमारा मसाला अच्छा भुन गया है, क्योंकि ऑयल साइड में से देख रहे हो आप, ऑयल निकल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये मैंने बड़े दो तीन टमाटर ले रखे थे गाइस, इसमें टमाटर ज़्यादा लगता है तो तभी अच्छा स्वाद आएगा इसका। इसमें हल्का सा पानी और डालेंगे, थोड़ा ही पानी डालना है। अब इसको टमाटर के साथ भी भुनेंगे। तो गाइस, ये मसाला भुन रहा है और ये हल्का सा भुन गया। अब इसमें हम डालेंगे कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्ची, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप इसको ना डाल लें, इससे क्या है कलर बहुत अच्छा आता है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये तीखी नहीं होती बिल्कुल भी, इसे कलर देने के लिए होता है ये। अब गाइस, हम डालेंगे इसमें, गाइस इसमें जाएगा दही। ये मेरे पास एक कटोरी दही है, खट्टा भी चलेगा, फ्रेश है वो भी चलेगा दही, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए गाइस। तो इसमें टमाटर भी हमने बहुत डाल दिया है। तो गैस, ये मेरे पास एक किलो मटर है, इसको छिलने के बाद इतनी रह जाती है, तो आज मैं एक किलो मटर ही डालूंगी, क्योंकि ये झोल बनाते हैं थोड़ा गाढ़ा होता है, इसमें कुछ और तो डालते नहीं, तो सिर्फ मटर का ही बनता है गैस ये। तो इसमें हम मटर डालते हैं, इसमें मैंने सारी मटर डाल दी। तो गैस, ये मेरे पास है ना दो चम्मच फ्रेश मलाई है, इसमें ना मलाई डालेंगे हम। अब इसको ना हम इसको दो मिनट भूनेंगे। गाइस, इसमें ना मलाई डालने से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, एकदम मावे का काम करता है। अगर आपके पास मावा है तो आप डाल सकते हैं, तो नहीं तो इसमें ना आप मलाई अच्छा काम करेगा इसमें, क्योंकि घी भी निकलता है इसमें से और उसका ना वाइटनेस आती है ना, वो इसी से आती है। लेकिन मैं इसमें खोए का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मटर के झोल में ना खोए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन आप डालना चाहें तो आप डाल भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी मलाई ज़्यादा काम इसमें अच्छा करेगी। इसको दो मिनट के लिए हम ऐसे ही भूनेंगे। तो गाइस, इसको मैंने अच्छा सा मटर को भी मसाले में भून गया है, अब ये एकदम थिक हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी भी हम बताते हैं किस हिसाब से डालना है। ये मेरे पास एक बड़ी कटोरी है, एक, ये दो,
ये 3 कटोरी पानी है, बाकी का हम ये देख लेंगे जब इसमें अच्छा सा खोल आता है, तो अगर गाढ़ा होता है तो हम बाद में भी डाल सकते हैं, अगर गाढ़ी ज़्यादा नहीं होगी तो हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाते हैं। अब गैस इसमें ना अच्छा सा खोल आ जाएगा तो हम गैस को कम कर देंगे, अब इसे ना पानी में पकने देंगे। तो गैस इसमें खोल आने लगा है, अब हमें ना इसको कम गैस पे खदकाएंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे पकने के लिए, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि इसका ना सारा मसाले के कलर उड़ जाएंगे, तो इसको है ना 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। तो गैस सब्जी में अच्छा सा खदक आने के बाद पता कि देख रहे हो आप ये अच्छा सा लाल 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 कलर दिख रहा है ना, यानी ये पक गया है, तेल हमारा ऊपर आ गया पक पक के। तो अब इस पोजीशन में हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, से बहुत अच्छा खुशबू आती है। अब इसमें मैं डालूंगी घी, सर्दियों में घी क्या है जम जाते हैं गैस, 1 चम्मच इसमें घी डाल दिया है, इसे क्या है और भी अच्छा स्वाद आ जाता है गैस। अब इसमें डालूंगी हरा धनिया, आप इसमें अगर है ना ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। 1 चम्मच भर के गरम मसाला, अब इसको चला लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये आमचूर पाउडर है, ये थोड़ा ऐसा का ना खट्टा फ्लेवर भी देगा। अब गाइस फाइनली हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है, अब गैस के फ्लेम को करेंगे हम बंद, इसको दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। गाइस मैंने ना इसमें बिल्कुल भी कोई भी ड्राई फ्रूट का यूज़ नहीं किया, इसमें डालना चाहो तो आप काजू और मखाने डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूंगी क्योंकि आज मैं इसको ऐसे बिना ड्राई फ्रूट के बनाऊंगी। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं डालती है, खोए का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना मटर का ओनली सिर्फ मटर झोल बनाया है, इसलिए मैंने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। अब मेरी सब्जी बन के एकदम फाइनल तैयार हो गई है, इसको मैं दूसरे बर्तन में ले लेती हूँ। गाइस मेरा मटर का झोल खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको रोटी से, मिसी रोटी से, पूड़ी से, जिससे आप खाना चाहो उससे खा सकते हैं, इसको चावल से भी खा सकते हैं। और गाइस आपको मेरा मटर का झोल पसंद आया है, पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको आप लाइक करना, मेरी इस रेसिपी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना, तो मैं ऐसे ही ऐसे तीखे तीखे चटपटे वीडियो लेके आऊँगी, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना तभी तो मैं आऊँगी। टेक केयर, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करना, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना, मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना ताकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। टेक केयर।